हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज इंद्रनील। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोलकाता क्रिएटिव। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक बेस्ट टेबल कंट्रोल बोर्ड आप लोगों को रिव्यू करके दिखाया था, जिसमें सिंगल एसी लगा हुआ था। ये रहा बोर्ड, आप लोगों को पता होगा। इसमें मैंने क्या क्या किया है मैं आपको बता दूँ। 4 पोटेंशियोमीटर जो लगा हुआ नहीं था मैं लगाया है। यहाँ पे 2 कनेक्टर लगाया, यहाँ पे 1 स्क्रू कनेक्टर लगाया, जिससे मैं पावर और इनपुट आउटपुट और वॉल्यूम का जो सिग्नल ये है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये है वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम, ये है मिड, सॉरी बेस, ये है मिड, ये ट्रेबल्स। इस बोर्ड का टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। इस बोर्ड के साथ मैं आज की टेस्टिंग करूंगा। यह 7265 आईसी का डबल आईसी का बोर्ड, इसके साथ इन दोनों को पंच करके मैं आपको आज दिखाऊंगा इसको टेस्ट करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा 7265 डबल आईसी का बोर्ड। ये पहले भी मैंने आपको इसका साउंड चेक करके दिखाया था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो आई बटन में जाके ये देख सकते हो, ठीक है। और ये है वो जो बेस टेबल का कंट्रोल बोर्ड। चलिए इसके साथ इसको एक साथ हम अटैचमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए जो हम लोगों को आपको दिखा देता हूँ। ये है 12012 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर, जो मैं इस बोर्ड को पावर देने के लिए यूज़ करूँगा। हमारा जो ड्राइवर मेन बोर्ड है 7265 का बोर्ड के साथ कनेक्ट करूँगा इसको। और एक ट्रांसफार्मर मैं यूज़ करूँगा जो मैं बेस टेबल का कंट्रोल का जो बोर्ड है उसके साथ यूज़ करूँगा। ये करीब जो है ये एक एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, 12012 भी है इसमें। चलिए इसको हम इसके साथ यूज़ करते हैं। और उस दिन जो मैंने आपको पावर बोर्ड दिखाया था ये वाला, इसके साथ बेस टेबल को मैं पावर दूंगा, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस ग्राउंड वोल्टेज से ही चलता है, आप लोगों को बताया मैंने कि आगे अगले वीडियो में कि कैसे चलते हैं। तो चलिए पूरा कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा पूरा कनेक्शन हो गया है। मैं आपको कनेक्शन एक बार समझा देता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से यहाँ पे इस बोर्ड पे पावर आ रहा है, पावर बोर्ड से आ रहा है। ये ऑडियो का जो कंट्रोल बोर्ड है वहाँ पे प्लस माइनस ग्राउंड कनेक्शन हो रहा है। और ये जो पावर, ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ से आ रहा है, मेन पावर, मेन जो ड्राइवर बोर्ड है हमारा 7265, उसी बोर्ड में पावर में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने 2 स्पीकर का कनेक्शन किया है, 1 स्पीकर, 2 स्पीकर, सेकेंड फर्स्ट स्पीकर और सेकेंड स्पीकर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दोनों का जो कनेक्शन है तो इसके साथ वहाँ जोड़ दिया है एक साथ। इसका जो आउटपुट है ये इसका इनपुट में मैंने दे दिया है। और इसका जो इनपुट है वो मैंने यहाँ पे लग दिया। यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल फ़ोन है जो कनेक्ट करूँगा, जाके आपको एक गाना सुनाऊँगा और टेस्टिंग करके दिखाऊँगा। चलिए मोबाइल फ़ोन पर मैंने कनेक्ट कर लिया, इसका वॉल्यूम मैं ऑफ कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको गाना प्ले करके दिखाता हूँ ऑन करके, ओके। चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड का पावर को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ का LED ग्लो कर रहा है बेस टेबल का। चलिए ये भी हमने ऑन कर दिया दोनों पावर। चलिए हम सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं। और फिर और एक मैं बात बोल देता हूँ, सब एक बार हेडफोन यूज़ कर लेना तो आपको साउंड का क्वालिटी अच्छी आएगी, अच्छे से समझ में आएगी साउंड कैसा है, ओके। चलिए मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया है। We'll be right back.
फ्रेंड्स, इस बोट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा मुझको। पंच बहुत ही अच्छा है, बेस का पंच बहुत ही अच्छा है। अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हो तो आप लोगों को सुनाई में अच्छे से सुनाई देगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने आज दिखाया इस वाले बोट का क्वालिटी कैसा है आपका, तो आपको बोल देता हूँ इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, ज़बरदस्त है। ठीक है, आप लोग अगर चाहिए तो मुझसे भी मंगवा सकते हो या मार्केट में भी अवेलेबल आप लोगों को मिल जाएगी। क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा मुझको। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों को चाहिए तो आप मुझसे भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं दिखा है आज इस बोट को टेस्ट करके, इसका क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझको बोलिए। और इसके साथ तो इसका पंच मुझको बहुत ही अच्छा लगा, 7-6 पैक के साथ इस बोट का यूज़ कर सकते हो। और एक मैं वीडियो में दिखाऊंगा बिना पावर बोट का यूज़ करके आप इसके साथ इसको कैसे सेटिंग कर सकते हो, वो भी इसमें कर सकते हो आप। ठीक है, मैं वो एक वीडियो में आपको दिखा दूँगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। और सबको सुरक्षित रहने के लिए बोलिए। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।